ये हम हैं, ये सुपीरियर कॉलेज और उसके बच्चे हैं और यहाँ पढ़ाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम अमारा है। अच्छा अमारा, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं BScS IT कर रही हूँ और मेरा फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है इस टाइम। अच्छा, IT के अलावा या आपकी जनरल स्टडीज के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका आपको बेतहाशा शौक हो? मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ट्रैवलिंग का शौक जी है। अच्छा, तो अगर आपको मौका दिया जाए कि आप IT और ट्रैवलिंग का मिक्सर कुछ बना सकती हैं, तो ऐसा कौन सा आइडिया होगा कि आप उससे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के कोई करियर कर सको? जैसे कि वर्ड टू वर्ड होते रहते हैं, मतलब हम करते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके लिए होगा कि उनके मतलब कम पैसों में वो किस तरीके से पूरा मतलब पूरी दुनिया का वो टूर कर सकें, या फिर उनके लिए कौन सा मतलब कहाँ से वो बेस्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए जाना, या फिर अगर जैसे वो एज ए ट्रिप जाना चाहती है अगर वो अपने कॉलेज के लिए साथ या फिर स्कूल लेवल्स पे, तो वो किस तरीके से कैसे वो विज़िट कर सकती है, कौन से एरियाज़ उनके लिए बेस्ट होंगे, तो इस तरीके से कोई ऐसा एक प्रोग्राम या ऐसी कोई वेबसाइट मैं चाहूँगी। अच्छा, अभी तक आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको आप कहीं पे लिंक कर सके हो अपनी एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल लाइफ से? और अगर कर सके तो आप मुझे उसका छोटा सा मुझे एक्सप्लेनेशन दें। मतलब मैंने साथ साथ स्टडी जब मतलब किया था, उसके बाद सेकंड ईयर के बाद मैंने थोड़ा गैप लिया था, कोरोना जब आया था तो उसके दौरान मैंने टीचिंग की थी। अच्छा, तो एट हुमैरा रियाज़ स्कूल में टीचिंग की थी और वहाँ पे मैंने सीखा भी बहुत कुछ था, और जो है कि मतलब वो मेरी स्टडी के वैसे थोड़ा अलग था, लेकिन ये कि मैंने उसमें भी बहुत कुछ सीखा था, और जैसा कि मैंने कुछ सीखा भी अगर अपनी स्टडी के रिलेटेड तो मैंने उसको वहाँ पर यूज़ भी किया था। और इसके अलावा भी मैंने मतलब टीचिंग अभी तक तो फिलहाल की है, जो कि एज अ होम ट्यूशन भी कर रही हूँ और स्कूल कॉलेज वगैरह में भी बस किया। अच्छा, ऐसे कौन सा चेंज है जो आप चाहते हो, या तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाए या ऐड हो जाए एजुकेशनल सिस्टम में? मतलब ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसका आपको शौक हो या आप देखते हो कि वो पहले हिस्सा था या कहीं किसी और मुल्क में होता है और आप चाहते हो कि भाई पाकिस्तान में भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता यहाँ पे ज़्यादा। अच्छा, तो प्रैक्टिकल वर्किंग ज़्यादा होनी चाहिए, यानी यहाँ पे सिर्फ ना थ्रेटिकली मीन ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता अभी तक जहाँ तक देखें। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री देखें तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा काम करवाया जाता है, यानी अगर उनको थ्रेटिकली नहीं आ रहा तो उनको प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा आता है, जिस तरीके से आपको तो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो स्किल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करवाया जाए। और फ्री लॉन्सिंग वगैरह जो है वो स्कूल से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो इस एज में आने से पहले अर्निंग कर सकें। आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी एज पर आ जाते हैं 21-18, तो ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो स्कूल लेवल पर ही आपको फ्री लॉन्सिंग के कुछ जो है ना ऑनलाइन अर्निंग वगैरह बच्चों की सब्जेक्ट में उनको डालने चाहिए, ताकि वो उन्हीं मतलब स्टार्टअप से वो स्टार्ट करें अपनी अर्निंग वगैरह, उनको स्किल जोन को पता हो कि हाँ हमने जो इंडिपेंडेंट होना है इस एज तक 18 तक 21 तक जाते हुए हमने इंडिपेंडेंट हो जाना है और हमने कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो आपको पता है कि 25-30 तक भी जो है ना लोग सिर्फ इतनी सारी उनके पास डिग्रियाँ होती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, तो स्किल्स की तरफ ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। स्कूल लेवल पर फ्री लॉन्सिंग वाले सब्जेक्ट है ना वो ऐड होने चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी की है, बिल्कुल इस चीज़ की कमी है। थैंक यू सो मच, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, आई होप कि आप आगे जाके बहुत कामयाब हो, ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू अल्लाह। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन की तरफ जो है इतनी फोकस नहीं की जाती, जैसे कि वो अपनी मैट्रिक की स्टडी कंप्लीट करती हैं, वो अपनी मैट्रिक की स्टडी कंप्लीट करती हैं तो कह दिया जाता है कि इसने पढ़ के क्या करना है, शादी करनी है, बर्तन धोने हैं, तो मतलब बस इसकी शादी कर दो, या फिर अगर वो कुछ करना चाहती है उसको करने नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि भाई तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती हो। तो ये चीज़ कम करनी चाहिए, कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पे भी यकीन करें, जिस तरीके से वो अपने बेटों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी बेटियों को ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बेटी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसने एक माशरा लेके चलना होता है। लेकिन जितना फोकस वो एक लड़की की आप स्टडी की तरफ कर रहे हो, अपनी बेटी की स्टडी की तरफ कर रहे हो, उतना ही फोकस आपको अपनी जो है ना बेटी की स्टडी की तरफ भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच।